चालीस की हाइट की बकरियां दिख रही हैं आपको बड़ी बकरियां हैं जैसे क्या चार लड़के जो कनेडा में आज बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं तो मैं साल का नहीं छह महीने का उनके साथ मुकाबला करने को चार लड़कों का हाँ, हाँ, हाँ चार लोगों चार लोग अच्छा अभी ये बन रहा, रहा है दस पंद्रह साल बीस साल हो गए बनते 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 जैसे परमात्मा कृपा करते भगवान कृपा करते हैं वैसे हम लोग आगे आगे चली जा रहे हैं अगर आप ये सोचकर चलोगे कि ये मेरा एक साइड बिजनेस है फिर इसमें आप कामयाब नहीं होगे क्योंकि एक मैं कहावत आपको बताने लगा हूँ कि जिस गाड़ी की माइलेज ज्यादा होती है उसकी बॉडी कमजोर होती है बिल्कुल नमस्कार दोस्तों इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं पारा साहब सभी का वेलकम करता हूं आशा करता हूं सारे भाई अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे में होंगे भाइयों आज मैं आया हूं अमृतसर पंजाब और यहाँ पे एक गिल फार्म करके है और मैंने काफ़ी नाम सुना था इस फार्म का यहाँ पे अंकल जी पिछले काफ़ी टाइम से गोट फार्मिंग के साथ साथ इनका स्टड फार्म भी है यहाँ पे ये यह मछली पालन भी कर रहे हैं और देसी पोल्ट्री में भी काम हो रहा है यहाँ पे दोस्तों जैसे कि इतनी सारी चीज़ें इनके फार्म पे है तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो को एंड तक देखना है आपको और चलिए मिलवाता हूँ आपको अंकल जी से कराता हूँ उनके फार्म का एक शानदार सा टूर और जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पे और हो रहा है भाई मेन हाईवे से थोड़ा सा दूर है इनका फार्म और ऑन रोड पर है जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि इनका बोर्ड लगा हुआ है फार्म का और यहाँ पर दसते हैं स्टड फार्म गोट फार्म फिश फार्म डक फार्म और डेयरी फार्म वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं यहाँ पे ये और ये है फार्म के एंट्रेंस इनके गिल स्टड फार्म और काफ़ी शानदार घोड़े भी हैं इनके पास में नमस्कार अंकल जी नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। सबसे पहले तो ये माइक पहन लीजिए तो अंकल जी बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे चैनल पर सबसे पहले छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए आप पहले तो सबसे पहले पारस जी आपका वेलकम है आपने अपना कीमती समय अपनी लाइफ से निकाल के मेरे पास आने का आपका बहुत बहुत थैंक यू जी।, जी क्योंकि आपके रजिएवें बहुत हैं और आप ऐसे शख्सों की किसी इंट्रोडक्शन के मुताज़ नहीं हो बहुत धन्यवाद तो मैं सुखपाल सिंह गिल जी, जी अमृतसर पंजाब बलकला मेरा फार्म है जो इसकी लोकेशन है बलकला मजीठा रोड बलकला जी जी हाँ अंकल जी मैंने देखा आपके बोर्ड पे यहाँ पे मल्टीपल लाइफ स्टॉक है जैसे हॉर्स भी है पे आपका फार्म हा, भी है है का तो आपका है, हा, हा, आपका मेन नाम नाम मैंने सुना और पोल्ट्री फार्मिंग भी है एक छोटा सा टूर अपने फार्म का हमारे दर्शकों को करा दीजिए ठीक है हमारे दर्शकों को बहुत पसंद है इस तरह के टूर ठीक है तो आप आगे आगे हम पीछे पीछे ठीक है वेलकम वेलकम जी तो यहाँ से होती है फार्म की शुरुआत अंकल जी की यहाँ पार्किंग एरिया है और अरे वाह अच्छा यहाँ पे ऊँट भी है आपके यहाँ हाँ 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 जी जी ये हमारी सप्लाई रहती है जी बी एस एफ को अच्छा हाँ 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 तो मतलब बी एस एफ में जाती है बी एस एफ को सप्लाई रहती है घोड़ों की भी रहती है और ऊँट की भी रहती है जी अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ हा। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया तो जैसे मैंने बताया था ये गैरेज है इनका आगे चलते हैं और वीडियो को एंड तक देखना सारे भाइयों को काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये ऐसी चीज़ें ऐसे फार्म रोज रोज देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ क्या हो रहा है अंकल जी आ, फार्म के लिए जो मेरे जो बच्चे हैं काम करते हैं मैं भी काम करता हूँ साथ ही इनके अच्छा, तो अच्छा। हमने वो नेचुरल जो आ, लगा रखी है सब्जी लगा रखी है, है, है। सीजनली जो सब्जी होती है वो लगा रखी है क्योंकि तो मेरे पास वर्मी वर्मी है और से मैं सारा अपना जो ऑर्गेनिक सब्जी का सारा मैं करता हूँ अपना जी। भी और बाहर से भी जो लोग लेने आते हैं उनको देता हूँ जी चलते हैं गोड की तरफ और जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे इनके स्टड फार्म है यहाँ पे इस तरफ इनका और घोड़े पे भी आते हैं हम पहले घोड़ से मिल लेते हैं यहाँ पर देते हैं सफ़ेद कलर के भी हैं और जो मालवाड़ी घोड़े होते हैं वो भी हैं गिर गाय भी हैं इनके पास में यहाँ पे हाँ तो अंकल जी कितना टाइम हो गया इस फार्म को आपको आ, फार्म को तो बहुत पुराना फार्म है जी हमारा कोई पच्चीस तीस साल हो गया जी अच्छा, फार्मिंग में तो हाँ तो सबसे पहले फार्मिंग किस चीज़ की, की थी आपने कौन सबसे पहले मेरी जो स्टार्टिंग हुई है वो शुरू से घर में जैसे था हमारा एरिया था इधर तो आ, बैंस थी मेरे पास बैफलो थी जी और साथ गोड़ी भी थी एक आधी जो मेरे पुरानों ने रखी हुई थी ठीक <laughs> है और बीटल बकरी तो शुरू से ही रही है जी शुरू से पंजाब की ब्रीड हाँ, है बीटल और, और होम ब्रीड रह गई ना अमृतसरी बीटल बकरी अमृतसर की ब्रीड रह गई ना जी जी। अमृतसर और लाहौर चलो लाहौर तो पाकिस्तान में चले गया जी। लेकिन जो अमृतसर है वो इंडिया में रह गया और इधर जो ब्रीड है होम ब्रीड है जिसका नाम अमृतसरी बीटल है वो अमृतसर से स्टार्ट होती है जी जी तो जैसे कि आपने बताया अमृतसरी बीटल है यहाँ पे और टोटल फार्म अमृतसरी बीटल का ये है बिल्कुल बिल्कुल जी ये जी। मेरा जो दस से ग्यारह महीने वाली पठिया का है हा, हा। बहुत अच्छी अच्छी पठिया है जी ये बीट, मेरी होम ब्रीड है सारी अच्छा हाँ 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 ये अच्छा, टॉप क्वालिटी में है देखो जी तो मतलब आपने एक अच्छी काम एक अच्छा काम किया कि इनका जो एनवायरमेंट है वो चेंज नहीं हुआ नहीं, 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 पे ही है, कोई ऐसी ब्रीड नहीं, है आपके पास नहीं नहीं, नहीं, नहीं जी, बिल्कुल नहीं, जी, बिल्कुल जी जो नेचुरल है जो एक पुरानी परंपरा चलती आ रही है जी, उसी हिसाब से मैंने बकरी रख रखी है जी जी हाँ। अभी हाँ पे इनकी पठिया बोलते हैं जिन्हें पठिया है यहाँ पे दस से ग्यारह महीने की एज है इनकी जी हाँ देखो बहुत अच्छी अच्छी पट है पूरी टॉप क्वालिटी जिसको बोलते हैं जी देखो जी ये ये साल से तकरीबन कोई चार महीने ऊपर हो गई है जी तो ये साथ प्रेग्नेंट भी है अच्छा और अच्छा। बहुत अच्छी मेरी होम ब्रीड की देखो कितना प्यार वाली है ये जी जी नहीं बीटल बकरी बड़ी शांत होती है हमारे फार्म पे भी थी पहले हाँ जी अच्छा तो अभी जैसे यहाँ पे एक शेड है हाँ। टोटल कितने शेड हैं ऐसे टोटल ऐसे तो मेरे पास छह शेड बने हुए हैं छह शेड बने हुए हैं ऐसे जी जी अड्ड कंपाउंड बना रखे हैं जैसे प्रेग्नेंट का अलग में रहेगा ठीक है।, है।, है और जो बच्चे दे रखे हैं उनका अलग में रहेगा ठीक है।, है और जो ड्यू है उनका अलग में है सारा अलग अलग रक्ष उड़े हैं सारे तो कितने हैं टोटल अभी हाँ पे गौड़ ये गौड़ तो भैया मेरे पास तीन, तीन सवा तीन सौ के करीब है जो जो बीटल बकरी 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 है है, है। हाँ, बड़ी जो है, बच्चे तो काफी हो जाते हैं है। वो बाकी आपके सामने है, जी आपके जी। चैनल के माध्यम से सारा दिखेगा जी 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 क्योंकि कई लोग क्या बोलते हैं कि बोल देते हैं 200 है 300 है जी तो जैसे नए फार्मर हैं वो देख के इस चीज को एक्साइटमेंट होती कि हमको दिखता तो कम है लेकिन बोल ज्यादा रहे हैं ठीक है हम

पुरानी ब्रीड हमारे पास चलती आती है जिसको असली अमरसरी बीटल बोलते हैं जिसको लाहौरी भी बोल देते हैं, हैं और बीटल भी बोल देते हैं जी जी ये ब्रीड पुरानी चलती आ रही है हमारे पास तो जैसे आपने बताया पुरानी ब्रीड, ब्रीड है चालीस की हाइट की बकरियां दिख रही हैं आपको बड़ी बकरियां हैं जैसे हाँ जी जी ये तो शेरा शेरा कलर ये शेरा कलर आ गया ये ब्लैक एंड व्हाइट आ गया वो जेड ब्लैक आ गई यहाँ पे बच्चे भी हो रखे हैं हाँ बच्चे भी हैं जी 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 तो मतलब मेन जो है आपने ध्यान जो मतलब प्रोजनी चलती आ रही है वो बीटल की है हाना? बीटल की है और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी इसको केयर करके जितनी ब्रीड इसकी बचा सकें हम वो बचा रहे हैं आज की डेट में जी जी क्योंकि आज की डेट में हर दौड़ लगी है बिजनेस के पीछे लोग बाहर भाग रहे हैं जी पैसे की दौड़ है, है हाँ धोखा तो उसमें क्या है कि कई चीजों का धोखा चल रहा है बोलते कुछ है देते कुछ है ठीक है तो इसीलिए मतलब आज सारा लाइव हम लोग दिखा रहे हैं कि जो हमारे पास अपनी ब्रीड है मतलब टॉप टॉप क्वालिटी की जिसको भी आप पकड़ोगे ये नहीं कि एक बकरी को मैंने पकड़ा और वीडियो शूट कर दी जिसको मैं पकडूंगा टॉप क्वालिटी में दिखेगी आपको जी तो जैसे आपने ये आपकी गोट्स हैं हाँ तो हाँ गोट फार्मिंग की बात करते हैं पहले हाँ 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 तो गोट फार्मिंग जैसे कहते हैं कि काफी लोगों को घाटा भी हो रहा है आजकल गोट फार्मिंग में धोखा होता है शुरुआत में धोखा रहता, तो रहता है तो आदमी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है कि की देखो ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है क्योंकि ये क्वेश्चन सबके माइंड में रहता है ठीक है देखो फार्मिंग कोई भी है ना जी अगर आप फार्मर हो तो नेचर लवर हो और इसको आप फार्मिंग कर रहे हो इस हिसाब इस की आपको ये भी देखना पड़ेगा जिसकी सांस चलती है ना भैया उसको प्रॉब्लम भी आती है जी जी भी आती है तो क्या है कि अब बीटल का जैसे चल रहा है जब बकरी पालन का जो भी फार्मिंग चल रही है उसके सबसे पहले आपको ट्रेनिंग जरूरी है जी और मैं मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि चाहे फार्मर से ट्रेनिंग लो लेकिन आप सरकारी ट्रेनिंग एक क्वालिफाइड जो डॉक्टर रहते हैं उनसे ट्रेनिंग बहुत जरूरी है जी। क्योंकि अगर मेरा जो तजर्बा है वो जितना मेरा तजर्बा रहेगा मैं बोलूँगा लेकिन जिस आदमी ने जिस डॉक्टर ने पाँच साल या छः साल की डिग्री की है ठीक है वो डिग्री के मुताबिक आपको सारी अपडेट करेगा ट्रेनिंग के बगैर आप बिल्कुल भी इस बकरी पालन में मत आए जी हाँ। वैसे अंकल जी जैसे कहा जाता है कि काफी अच्छा मोटा पैसा है इसमें क्या ये बात सच है क्योंकि आप इतना टाइम से कर रहे हैं और आपकी एज भी है देखो आपकी राय बहुत मायने रखते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल मैं आपको सही बात बताने लगा हूँ प्रॉफिट है लेकिन ये ऐसा धंधा नहीं है कि पांच बकरी दस बकरी रख के कोई बोले कि मेरे को प्रॉफिट है ये प्रॉफिट उस टाइम आएगा जब आपके पास सौ डेढ़ सौ बकरी रहेगी जी ये लाइव स्टॉक पर प्रॉफिट है जी क्योंकि आज के महंगाई के युग में जो सच्चाई बात ये है कि जैसे नए नए फार्मर को मोटिवेशन कर देते हम लोग कि पांच बकरी रखो इतना मुनाफा आएगा दस बकरी रखो इतना मुनाफा आएगा जो आपने कहा आपका क्वेश्चन है पूछने का प्रॉफिट है बकरी में मैं ये नहीं कहता घाटा है मैंने भी कोई पांच सात दस बकरी से स्टार्ट किया था आज परमात्मा की कृपा से तीबन ढाई तीन बकरी का मेरा अपना पर्सनल लाइफ स्टॉक है ठीक है बेड़ का अलग है बकरी का अलग है ठीक है तो उसी आदमी की प्रॉफिटेबल धंधा होगा जो लाइफ स्टॉक पर काम करेगा जी जी पांच दस बकरी का कोई धंधा नहीं है इसका जी कहा जाता है कि साइड बिजनेस कर लो ऐसा कर लो वैसा कर लो साइड बिजनेस भी कहते हैं साइड बिजनेस कर लेंगे बंदा, बंदा कुछ और काम भी कर रहा है साथ साथ बकरी पालन भी करना चाहता है तो मेरा पर्सनली मानना तो नहीं ये नहीं है कि साइड बिजनेस है क्योंकि तो काफी लोग फेल हो जाते हैं तो टाइम आप दोगे नहीं इसमें अगर आप ये सोचकर चलोगे की ये मेरा एक साइड बिजनेस है फिर इसमें आप कामयाब नहीं होगे गए क्योंकि एक मैं कहावत आपको बताने लगा हूँ कि जिस गाड़ी की माइलेज ज्यादा होती है उसकी बॉडी कमजोर होती है बिल्कुल ठीक है इस, इसका ये है ना इसका कि अगर जो बकरी है ब, बकरी है बकरी बकरी की कॉस्ट कम रहती है कि चलो तीस चालीस हजार में टॉप की बकरी या बीस में या दस हजार में बकरी आ जाती है जी। उसमें क्या है कि रख भी थोड़ी जगह में आता है लेकिन जो ध्यान है वो डबल से ट्रिपल देना पड़ता फार्मर को अच्छा यहाँ पे आपका ये ये ऑफिस है है ना ऑफिस है मेरा जी जी हाँ। और यहाँ पे क्या है जी यहाँ मैंने आने वाले समय के लिए मेरे पास इस शेड में दुम्बा रहता है खड्डू रहता है कुरबानी के लिए जो बेडू होता है उसको तैयार कर रहा हूँ और बर्बरी रहती है जी अच्छा हाँ। वो भी दिखा हाँ। गए गए बार। अच्छा ये कौन सी ब्रीड है ये बर्बरी है ये तकरीबन क्विंटल का बॉडी वेट ले जाती है जो इस पर मैं ब्रीड कर रहा हूँ ये ये भी अब तकरीबन दो दांत पर है बच्चा और तकरीबन इस टाइम ये चालीस और पैंतालीस के जी अब हो चुका है ये बर्बरी है ये ये बर्बरी है हाँ. अच्छा ये ज्यादा ज्यादा है है ये ये बॉडी वेट गेन करने वाली है, जी हाँ, कहां की है जी की ब्रीड इंडियन ही ब्रीड है ठीक अच्छा, है अच्छा, और बहुत अच्छी, हाँ. अच्छी और मजबूत ब्रीड की ये मैं कर रहा हूं. ना और ना वो मेरे पास तुर्की के दुम्बे हैं वो फीमेल है परली लोडेड ये बच्चा है ये अलग लाइन का है वो अलग लाइन की है ये बच्चा तैयार कर रहा हूँ जी जी आने वाले समय के लिए दुम्बी की ब्रीड करने का हमने सोच रखा है ये सारा शेड दुम्बी और ये बर्बरी का रहेगा अच्छा काफी बड़ा शेड है हाँ हाँ ये तीन फुट का शेड है टोटल जी ठीक है तो बस यस... पे भी आप काम करेंगे हा, 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 हा। जी जी ये मैंने एक पैडक बना के इसका ट्रायल लिया है और ये बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए जो पैडक बनाया मैंने इनकी सारा पेस्ट जो है जो नीचे चल जाता साफ सुथरी रहती है जी जी अच्छा अंकल जी ये खाने में क्या चल रहा है खाने में इनको मैं साइलेज दे रहा हूँ कॉर्न है साइलेज में कॉर्न है मक्की का ये साइलेज रहता है इसमें कॉर्न भी आ गया और ये हरे हरा भूसा भी आ गया जी और टॉप क्वालिटी का ये रहता है बहुत अच्छा रहता है इसमें प्रोटीन टॉनिक बहुत अच्छा रहता है ये साइलेज है सैलेज देता हूँ मैं बकरी को भी देता हूँ और दुम्बो को भी देता हूँ और बर्बी को भी देता हूँ जी जी हाँ ये खर हाँ मेंडे हैं जी ये तैयार हो रहे हैं आने वाले ईद के लिए कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएंगे सब जी जी ये हमारे पास काफ़ी स्टॉक हो जाता है अब स्टार्टिंग होगा ही हमारा क्योंकि ये ये बात से परचेज़ करते हैं हम लोग जी जी तो जिस किसी को भी चाहिए ऑर्डर डालना पड़ेगा और खड्डू मिल जाएगा चाहे पचास पीस लो सौ लो दो सौ लो जितना आप चाहोगे उतना स्टॉक हो जाएगा जी और ये मेरे पास व्रीकन बोर है पोर्ट लाइन का है विंकर का अच्छा बोर गोट है हाँ इस पर मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ देखो आगे रिजल्ट आएगा आने वाले समय में होगा ये बर्बरी है देखो आपने बर्बरी बहुत देखी होगी लेकिन इस क्वालिटी की बर्बरी बहुत कम मिलती है घोड़ा जी जी। है।, 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 हाँ। है, है मेरी घर का बच्चा है मेरा ये।, जी जी। ये होम ब्रीड है क्या नाम है इसका इसका सुल्तान है जी जी कौन सी ब्रीड है ये ये इंडिया की नुकरा घोड़ा वाइट में ये इंडिया की ब्रीड है ये ठीक है हाँ जी तो अभी कितने घोड़े हैं यहाँ पे यहाँ सतारह अठारह घोड़े हैं जी और जी एक मेरी लोकेशन जो मैंने आपको बताने वाला हूँ के पास वहाँ मेरा फार्म गोड़ी है उधर तकरीबन बाईस तेईस घोड़े घोड़िया उधर है और हाँ, बेड भी उधर है जमुना पारी बेड है ना जो हाँ कुछ तो बेड इधर दिखाऊंगा अभी मैं आपको कुछ बेड उधर है जी जी। तो बाकी इधर सतारह अठारह घोड़िया घोड़े हैं अपने जी काफी सुंदर है ये हाँ हाँ अच्छा यहाँ पे गिर गाय भी है ये गिर गाय घर के लिए हमारे जी हाँ, पूरी टॉप क्वालिटी की है दूसरे ब्याज की है वो ये वो गिर है। जी और यहाँ पे हाँ, ए, ये प्रताप इसका नाम है बुल का और ये आ, जो हमारे इंडिया लेवल का इधर साहब में लगता है शो उसमें फर्स्ट आ चुका है ये शाही वाल है शाही वाल जी जी ये काफी सुंदर है हाँ 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 जी 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 आगे बढ़ते हैं और ये और भी घोड़े हैं यहाँ ये फीमेल बच्ची है अभी दस दस ग्यारह ग्यारह महीने की मेरी घर की बच्चियां हैं सारी जी जी हाँ जो बच्चे हम बड़ी फीमेल है ना मेरी उनसे हम तैयार करते हैं ये घर की बच्चियां हैं मेरी जी हाँ, क्या, क्या नाम थोड़ा नाम के बारे में बताओ के बारे में बताओ कौन कौन सी ये मालवाड़ी आ गई जी अच्छा ये मालवाड़ी मालवाड़ी आ गई ब्लैक में है ब्लैक में ये मालवाड़ी है ये काला कांटा जो घोड़ा है फेमस घोड़ा है उसकी बच्ची है ये मेरे पास अच्छा अच्छा हाँ 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 ये तो मेरे अपने घोड़े की बच्ची है वो काले कांटे की बच्ची है जो ब्लैक वाली है जी जी हाँ 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 जी चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हमारे जो पंजाब की ब्लड लाइन चलती है मज्जू की लाइन जिसको बोलते हैं उसका बच्चा है ये जी, ठीक है इधर अपना लुधियाने है फादर जिसका है बच्चा है ये मज्जू की लाइन का आ गया अच्छा एक बार बताइए वो गोट का तो हमने देख लिया वो तो बिजनेस के पॉइंट पर ये बिजनेस के है शौक ये, है? आ, मेरी तो मेरा शौक है मेरी हॉबी है लेकिन क्या है कि जब मैं ब्रीडिंग कराता हूं, मेरे पास बच्चे आ जाते ज्यादा जी तो फिर मैं सेल भी करता हूँ क्या रेट जाता है घोड़े का रेट कोई है, इसका एंड नहीं है घोड़ी घोड़े का कोई एंड नहीं है फिर भी एक अंदाजन।, अंदाजन मैं कुछ नहीं बता सकता जो स्टार्टिंग है वो एक लाख डेढ़ लाख से स्टार्ट है मेरे पास स्टार्टिंग हाँ स्टार्टिंग स्टार्टिंग जी। और मैक्सिमम कोई एंड नहीं रहेगा घोड़ी घोड़ो की लाइन का भी जाता है जाता 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 अच्छा जी ये मेरे पहले ब्यांत की फीमेल है बहुत सुंदर हाँ बहुत हाँ सुंदर हाँ हाँ हाँ। फीमेल है ये हर्ष घोड़ा है इधर राजस्थान में जी हर्ष वो नहीं रहा दुनिया में बाबा बालकनाथ जी के पास था घोड़ा हो इसका बाप हर्ष बहुत फेमस अच्छा, घोड़ा अच्छा। था उसकी बच्ची है ये लोडेड का अपना प्रभात घोड़ा है उसके अच्छा हाँ। ये भी मारवाड़ी है मारवाड़ी जी जी आगे बढ़ते हैं हाँ और ये इनके अस्तबल हैं ये इनके अस्तबल हैं अंदर भी कच्चा था रखा है बाहर अच्छा, भी है। एक चीज बताइए जैसे आपने हमने ये फार्म के ड्रोन शॉट भी लिए हैं तो ये पूरा फार्म आपने बनाया है हा, हा। ये एक बार ये बनाया था पार्ट ये पार्ट वाइज आहिस्ता अब भी बन रहा है अच्छा बन ये बन रहा है दस पंद्रह साल बीस साल हो गए बनते 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 जैसे परमात्मा कृपा करते भगवान कृपा करते हैं वैसे हम लोग आगे आगे चली जा रहे हैं तो चलिए आगे देखते हैं अच्छा ये बकरियां हो गई घोड़े हो गए इसके अलावा और क्या क्या है मेरे पास फिश फार्मिंग है अच्छा तो शीप फार्मिंग।, फार्मिंग है शीप में बताता हूँ फिश का हो मैं तो आपको बताऊँ शीप देखते हैं हाँ हाँ हा। शीप इधर पहले फिश देख लो जी जी हाँ फिश की मैंने हैचरी लगा रखी है जी देखते हैं फिश खालो, फार्म इन्होंने लेवल भी लगा रखे हैं हर जगह अपने फार्म ये मैंने बायो फ्लॉग पर फिश रखी है लेकिन क्या है कि पहले मैंने कोई की ब्रीड इसमें की थी अच्छा। लेकिन हमारे क्लाइमेट में अमृतसर के क्लाइमेट के कारण वियतनामी कोई हाँ हा, हा, हा। जी वो सक्सेसफुल नहीं हो चुकी जी नहीं हुई इसलिए मैंने अब जो देसी ब्रीड अपनी रहती है उसकी ब्रीडिंग कर रहा हूँ वो देखो जी। जी। इसमें क्या है कि बड़े पेर दो शो, दो दो पेर छोड़े हैं इसमें ये ब्रीडिंग कर देंगे जब ब्रीडिंग कर देंगे इनको बाहर ले बड़े तालाब में छोड़ दिया जाएगा और तकरीबन इसमें एक लाख से डेढ़ लाख तक बच्चा जो है पैदा का हो जाएगा अच्छा हाँ ये ब्रीडिंग ये ऑक्सीजन दे रखी मैंने ऑक्सीजन है, है।, है उस नीचे जो है सारा छोटा बच्चा ही है तकरीबन और जब हम लोग बाहर से बाहर मैंने चार किले में बाहर खेत में चार में एकड़ मैंने तालाब बना रखा है जब उसकी सेल पड़ती है तो इसमें से बच्चा निकाल के उसमें ट्रांसफर कर दिया, दिया जाता से हैच्री है से हैचरी हैचरी है। है बच्चा वहां जाता है उसमें क्या है कि जो किसान बोलते हैं ना कि फिश फार्मिंग में घाटा है उनको घाटा इसलिए है कि वो बायोफ्लोग में नहीं आए वो सीधा बाहर आ गए और छह महीने सात महीने बाद फसल डालते हैं फिर वो निकलती हम लोग बारह महीने की रोटेशन करते रहते हैं वो टूटती नहीं है जी जी हाँ हाँ ये देखो सारा बच्चा है ये तो दो लाइन का बच्चा काफी बड़ा बच्चा भी है इसमें जी। वो देखो वो देखो ठीक है इसमें क्या है कि ये बच्चे को हम लोग जब बाहर ट्रांसफर करते हैं इसमें ओटोलिटी नहीं होती जी जी बड़ा बच्चा है ना इसमें ओटोलिटी नहीं होती अच्छा और ये छोटा सा मैंने बना रखा है जी अपना देसी का पोल्ट्री फार्म अच्छा पोल्ट्री फार्म हाँ, बना रखा हाँ, हाँ, अब मैंने एक जो स्टॉक था ना ले इसका सारा सेल कर दिया है अच्छा। अब दोबारा जो तैयारी है मेरा स्टॉक वो देखो थोड़ा रह गया ये पूरा मैंने वैसे बढ़िया तरीके से ड्रिंकर विंकर लगा रखे हैं ठीक है अब ये माल तो सारा सेल हो गया मेरा 200 था जी। तो अब नया दिख रहा है वो तो हाँ बर्ड है कौन सी ब्रीड है? है ये जो हमारी देसी रहती है ना प्योर देसी 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 वो रहती है मेरे पास। की देसी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लोड था इनका वो खत्म हो चुका है और अभी यहाँ पे ये शायद अंकल जी के लिए खुद के लिए रुख रखे अंकल जी ने देख सकते हैं ये प्योर देसी ब्रीड है अच्छा ये आपका जो है यहाँ पे आपकी फिश भी, भी हैं, हाँ है और डक्स भी है ये नेचुरल तरीके से आ गया ना जो हम बच्चा अंदर पैदा करते हैं ना जी जो हैचरी में अंदर पैदा करते हैं उसको बाद में इसमें ट्रांसफर करते हैं जी जी ठीक है जी। इसमें क्या है जो कस्टमर निकाली जाता है उतना, उतना उतना हम बच्चा डाली जाते हैं और कौन कौन सी ब्रीड है मेरे पास कॉमन कार्प है ग्राफ कार्प है सिल्वर कार्प है जी जी जो अपनी देसी ब्रीड रहती है ना जी वो ही मैंने किया क्योंकि मेरे जो मेरे को क्लाइमेट जो अमृतसर के क्लाइमेट के हिसाब से लेते हैं सात सौ रूपये वाली किलो पांच सौ वाली किलो जैसे की आपने बताया था वियतनाम वियतनामी ब्रीडो वो देखो सात सौ रूपए किलो तो सेल होती है लेकिन चार सौ रूपया उस पर खर्चा भी आता है उस पर मेरा खर्चा नहीं है ये मेरे सारे फार्म का जो वेस्ट रहता है उस पर मैं मछली पालता हूँ अच्छा तो ये जो फिश आप सेल करते हैं हाँ हाँ मार्केट मंडी में जाती है क्या रेट जा रही है आपके पास ये मेरी डेढ़ सौ एक सौ पच्चीस डेढ़ सौ रुपये जाती है कंटिन्यू जी जी इसमें ब्रेक नहीं है हफ्ते में तीन बार चार बार मेरा जो कस्टमर आता है अपने से निकाल के लेके जाता है ठीक है मुझको कंडे पर पेमेंट देता है वो जी जी हाँ अच्छा एक एक चीज मैं आपसे पूछूंगा हाँ। कि जैसे इतना कुछ हो रहा है, हाँ हाँ। है? हाँ। इतने सारे बंदे बंदे काम कर रहे हैं हाँ हाँ हाँ। आप भी अपना टाइम दे रहे हैं ठीक हाँ है हाँ। तो सब जैसे इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, में हाँ। कैसा प्रॉफिट आ रहा है आपको भी? देखो मैं यही बात आपने पहले भी क्वेश्चन किया था गॉट में किया था आपने जी देखो जो जो आदमी फार्मर है मैं ये कहता हूँ कि हर दो साल के, तीन साल के बाद दो साल के बाद, कोई -कोई है, साल किसी का है। hmm. दो साल के बाद प्रॉफिट जो है शो होता है लाइफ स्टॉक में hmm. जो फार्मर जल्दी आएगा स्पीड में आएगा उतनी जल्दी क्रैश होगा वो इसमें क्या है कि दो साल के बाद आपकी जो टर्नओवर है अच्छी बन जाती है जैसे चलो परमात्मा की कृपा मैं तो यही कहता हूँ हर इंसान का ऐसा ही रहना चाहिए जो आप सेटअप बनाते हो उस पर आप कम से कम चार पाँच छः एनिमल एनिमल पर स्टॉक पर काम करें एनिमल लॉफ लाइफ स्टॉक पर फिर आपको एक, हाँ 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 एक मतलब रिसाइकल होता है हाँ, था हाँ, था। हाँ, बिल्कुल हाँ, हाँ, जी, जी, अगर किसी का डाउनफॉल आ जाता है हाँ। तो फार्मर उसको रोक ले जी, आने वाले समय के लिए जो भी हमारे स्लैम्प रहता दो तीन महीने का ही रहता है ज्यादा नहीं रहता जैसे पीछे लॉकडाउन लग गया था तो उसमें क्या था कि हमारे पास स्टॉक अलग अलग थे और इसीलिए हम उसमें कामयाब रह गए जो नहीं सेल हुआ उसका हमको दिक्कत नहीं आया अगर एक पर रहते तो हम लोग भी क्रैश हो जाते हैं जी जी हाँ जी अच्छा आपको कितना साल हो गया ये सब चीजें करते हुए लाइफ स्टाइल देखो मेरे को तकरीबन 25 साल के करीब हो गया है पच्चीस साल हो गए मुझको तकरीबन मेरे को ये लाइफ स्टॉक पर कर, काम करते करते जी जी और आज परमात्मा की इतनी कृपा है भगवान की कृपा है कि आपके सामने है कि तकरीबन भेड़ और बकरी और घोड़ा गाड़ा डाल के तकरीबन हजार के पास पास मिलकर लाइफ स्टॉक अपना पर्सनल है आपके पास हाँ हाँ हम तो दिख भी रहा है हाँ हाँ हा, हा, हा। इतना कुछ है तो अंकल जी देखो ए, ये बात पूछने वाली नहीं होती पर फिर भी मैं चाहूँगा उसका जवाब दें एक लमसम जवाब दें आपको पर ईयर यहाँ पे कितना प्रॉफिट बच जाता है देखो मेरे जैसे चार पाँच पॉइंट रहते है न, हैं ना तो कैलकुलेटर तो नहीं कर सकते हम लोग लेकिन बहुत अच्छा मेरा जो प्रॉफिट रहता है जी। जैसे आ, आज की डेट में न्यू जनरेशन को मैं बोलना चाहता हूँ नौजवान भाइयों को बोलना चाहता हूँ अपने कि जैसे फॉरन की स्पीड लगी होती है ठीक है उस हिसाब से तो मेरी बिग डील रहती है अच्छा। उस हिसाब से तो मेरी बिग डील है ठीक अच्छा। है चार लड़के जो कनेडा में आज बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं अच्छा। तो मैं साल का नहीं छह महीने का उनके साथ मुकाबला करने को चार लड़कों का हाँ 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 चार लोगों चार लोग बढ़िया, बहुत अच्छी हाँ। बात है हाँ ये अंकल जी की शीप है और अभी इनका जो वूल है वो उतरा हुआ है मुझे लग रहा है हाँ वो। जी हाँ और ये मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ ये तीबन शीप नहीं आप बोल सकते ये बच्चे हैं तीबन कोई सात आठ 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 महीने के बच्चे है जमना पारी अच्छा अच्छा हाँ ये नॉर्मल जो है ना वो चीज नहीं है अच्छा। ये मतलब इसमें जमुना जो है बहुत अच्छी ब्रीड है और पूरी फुल हाइट लेने वाली है बेटा ये बच्चा इधर करो ये तकरीबन तो एक एक क्विंटल का सवा सवा क्विंटल की बेड रह जाती है वो देखो आपके सामने है ये देखो ये दो दांत पर बच्चा है अभी देखो अच्छा, उसकी बच्चा हाँ, बच्चा अभी देखो हाइट उसकी ये अभी पांच पांच छह छह महीने की बच्चियां हैं छोटी जो है सारी

जैसे कोई आपका मैं नंबर दूंगा डिस्क्रिप्शन हाँ 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 कोई आ, फार्मर भाई या फिर कोई युवा हाँ, हाँ। उसको हेल्प चाहिए अगर वो इस काम में जरा सी रुचि रखता है किसी एक तरह चाहता है हाँ 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 तो किसी तरह की भी हेल्प मेरे से एनिमल लेना चाहे नहीं लेना वो सेपरेट बात है जी। कोई भी किसी ने पूछना है किसी चीज की अपडेट लेनी है तो मुझसे दस बजे सुबह और चार तक बीच टाइम में मुझको फोन कर सकता है क्योंकि बजे 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 का कारण क्या है कि सुबह मेरा से दस तक फार्म में रहता हूं मैं शाम को चार बजे के फिर रात के आठ नौ बज जाते हैं फिर फोन अटेंड नहीं होते जो फोन का टाइम रहेगा वो दस से चार का रहेगा तो भाईयो ये थे हमारे साथ में अंकल जी जिन्होंने इतनी शानदार जानकारी दी अपना शानदार फार्म दिखाया हमें अपना इतना महत्वपूर्ण टाइम हमें इन्होंने दिया मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी इनके द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार